हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे आप लोग? आज गाइस अच्छे होंगे। और आज गाइस दो बाइक का हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं। एक है मेरे पीछे NS125 और एक है Duke 125। तो दोनों का कंपेरिजन करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा बेटर है जो भी न्यू लेना चाहते हैं अभी। और अभी हर जगह शाम हो चुका है, तो मतलब जैसा भी ब्लॉग होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये कंपेरिजन बेटर रहने वाला है, तो बाइक देख लो। एक बाइक अभी आ रहा है और एक शंकर का बाइक आ चुका है पहले ही देखो। और वो भी बाइक न्यू है भाई, खतरनाक एकदम। देखो लुक देखो भाई, दोनों बाइक मतलब एक बाइक का भी लुक देख लो, फिर एक बाइक आ रहा है दिखा दें आप लोगों को। सबसे पहले इसका लुक दिखा लेते हैं आप लोगों को 360 में। तो गाइस इस बाइक का लुक देखो कितना ध्यान दिखता है आगे से, ऐसे पता नहीं चलता कि 200 की 125 है। इसका जो 125 का जो साइन है ना उसी से पता चलता है 125, बाकी तो ये 200 लगता है जिधर से भी देख लो। तो गाइस इस बाइक की बात कीजिए इंजन की, तो इंजन जो है 124.5 सीसी की है। देखो जो है इंजन, और ये जो माइलेज देती है भाई 45 की माइलेज देती है, ये कंपनी बोलती है, बट पता नहीं वाकई में शंकर भाई टेस्ट किया था 45 भी देता है। और इसमें 5 गियर मिलता है आप लोगों को, देखने को गियर आप लोगों को मिल जाता है 5 भाई इसमें। और इसका फ्यूल टैंक जो है वो है 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आप लोगों को। और ये जो सीट है भाई, तो भाई इस बाइक के ओवरऑल वेट की बात की जाए तो 145 केजी की आती है ये वाला बाइक, तो काफ़ी ज़्यादा ही भारी है। तो गाइस इसकी जो सीट की जो ऊंचाई है ना 805 है, 805 mm। तो गाइस अब देख सकते हो दोनों बाइक आ चुका है, पीछे है 125, आप लोगों को तो NS125 का बता दिया, अब पीछे है Duke 125। ये देखो एक बार देख लेते हैं ओवरऑल लुक, तो ये धाकड़ दिखती है एकदम, सबके दिलों पे राज करने वाले बाइक है वाला। तो इसको ही बताते हैं आप लोगों को क्या क्या है, 360 रोटेशन दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस इस बाइक की इंजन की बात की जाए ना, तो ये 124.7 सीसी की ये इंजन देख सकते हो। और भाई इसकी जो गियर है ना 6 गियर में आती है। और इसकी जो सेट सीट की जो ऊंचाई है ना 122 mm की है, 822 mm की है सीट की ऊंचाई। और लुक देख सकते हो भाई क्या धक्कड़ दिख रही है। और भाई इसकी जो फ्यूल टैंक है ना ये 13.5 लीटर की है, 13.5 लीटर की इसकी ये फ्यूल टैंक है। और इसमें जो माइलेज आप लोग को मिल जाती है 40 की, देख लो 125 है इसकी माइलेज जो है, 40 की माइलेज है। बाइक के लुक देख सकते हो एक बार आप लोग, ये देख लो 125 किस टाइप की लुक देखती है आगे से। और अब दिखाते हैं आपको Duke 125 की, ये देखो लुक Duke 125 के लुक। और इसमें आप लोगों को ये दिखाते हैं, इसके मीटर दिखाते हैं, ये देख सकते हैं ये इस टाइप की दिखती है। और इसमें इस टाइप की वो फुल डिजिटल है, ये लो मैनुअल इसकी इस टाइप की। बैक का लुक देख सकते हैं इस टाइप का आता है। और इस बाइक के बैक का लुक जो है वो इस टाइप का आता है। A few moments later. चलो ओ भाई आ चुके ड्यूक में, इसमें थोड़ा चलाने का डिफरेंट लुक लग रहा है, लेकिन भाई बाइक छोटा जैसा हम समझ में आ रहा है मेरे को। ओ भाई आगे चला जा रहा है, लेकिन एनएस में कुछ अलग ही पावर है, लेकिन आगे चला जा रहा है भाई, ये भाग ही नहीं रहा है। ओ भाई आगे आगे भाई, इसमें भी पावर है, लेकिन ओ भाई आगे चला जा रहा भाई एनएस। ओ भाई 98 का 100 क्रॉस करेगा क्या, 96